नमस्कार, मैं संजना। मेरे चैनल घर की अंगीठी में आपका स्वागत है। आजकल मैं बिना लहसुन प्याज वाला रेसिपी बना रही हूँ, तो आज मैं इसमें एक और नई रेसिपी ऐड कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी मसाला भिंडी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं। तो मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है, इसको मैंने धो करके सुखा करके काट लिया है लंबे पीसेस में। आप अपने पसंद के कोई भी शेप में काट सकते हैं। और 1/2 टीस्पून साबुत जीरा है, 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक है, और इसमें एक हरी मिर्च भी काट लिया है मैंने। 1 टीस्पून सौंफ है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। और 8 से 10 दाने मेथी के हैं, उसको भी मैंने साथ में दोनों मिला के क्रश कर लिया है। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल है, आप अपने पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं जिसमें आप खाना पकाते हैं। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर है, 1/4 टीस्पून तीखी लाल मिर्च है, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल लिया है और ये तेल गरम हो गया है। अब मैं सबसे पहले इसमें अदरक डालूंगी, अदरक और हरी मिर्च। ये देखिए, अदरक भुन गया है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। और हम फ्लेम को अभी एकदम स्लो पे ही रखेंगे। और इसमें मैंने जो क्रश किया हुआ था मेथी दाना और सौंफ डाल रही हूँ। और इसमें अब मैं भिंडी डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, भिंडी को मैंने मिला लिया अच्छे से। अब मैं नमक डाल रही हूँ। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। इसको डालकर मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देते हैं और फ्लेम को एकदम स्लो पे कर देंगे। सब्जी में ढक्कन लगाए 2-3 मिनट हो गया है और इसे हम एक बारी चला लेते हैं। और ये हम बाकी के मसाला भी डाल देते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ये तीखी लाल मिर्च डाल के हम इसे मिला लेते हैं। मैंने इसमें सारे मसाले अच्छे से मिला दिया है और इसमें दोबारा से ढक्कन लगा देते हैं। हम सब्जी को बीच बीच में चलाते रहेंगे 2-3 मिनट पर और फ्लेम को एकदम स्लो पे ही रखेंगे। और दोबारा से फिर ढक्कन लगा देते हैं। सब्जी को पकते हुए 2-3 मिनट और हो गया है, दोबारा से हम इसे चला लेते हैं। ये देखिए, लगभग सब्जी बनने वाली है, थोड़ा सा और पकाएंगे। और दोबारा से हम ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए, सब्जी ये बन चुकी है। और अब इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे सबसे लास्ट में, और इसको डाल के हम 1 मिनट के लिए मिला के फिर ढक्कन लगा देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब
अब ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। मैं गैस को बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के बाद फिर हम सब्जी को सर्व करेंगे। ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए मैं छोड़ रही हूँ इसको। ऐसे गैस को बंद किए हुए 2 मिनट हो गया है और अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला भिंडी बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे सर्व कर लिया है और बहुत ही अच्छा सब्जी बना हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।